हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे भाई सुबह सुबह कहाँ, तो मैं जा रहा हूँ घर अपने लाइसेंस के काम से। तो कल मेरा लाइसेंस बन गया था, यही लगा दी थी रात को आते ही। तो चलो यार, पहले इसमें फ्यूल अप कराना है और थोड़ी इसका ना कपड़ा वपड़ा भी मारते हैं, थोड़ी हालत ख़राब होगी रखी सी। तो गाइस नया सा आज हो रखी सुबह सुबह ठंड, भाई पता नहीं क्यों, या मेरे को लग रही है। ये देखो भाई, आज मेरे दुश्मन भी यहीं बैठे हुए हैं, एक यहाँ लेटा हुआ है कि आज शांत है, आज कुछ बोल नहीं रहे। चलो चलते यार, बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि हमें टाइम से पार भी पहुँचना है घर। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स हो जिनकी वजह से मुझे सोनू को फ़ोन करा पाना। चलो यार पहले इसको बैग में रखते हैं। अभी गाइस मैं निकल चुका हूँ कोट घाट से आगे, बट आप फिर चेक कर ही सकते हो गाइस, मी एंड माय बीस्ट भाई, ये तंग मोड़ आता हुआ और मैं लीन करता हुआ, भाई मज़े आ रहे, जो भी बात हो ना मज़े आ रहे। पर जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है ना, यहाँ से मैं न्यूट्रली जा रहा हूँ यार, मज़े में। वाह धूप गाइस, चेक आउट दिस व्यू, वाह वाह यार, थोड़ी शांति मिली क्योंकि ठंड में ना सिकुड़ गए रहे हाथ ही, देखो। चलो गाइस अपनी जर्नी को ऐसे ही लगातार आगे बढ़ाते हुए हम धीरे धीरे आपसे मिलते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि जो हमारा कैमरा मैन है एक्चुअली क्या है कि उसकी जो बैटरी है वो बहुत खाता है, तो उसको भी बीच बीच में चार्ज करना पड़ता है। वैसे यहाँ से आगे भी न्यूट्रल ही था यार, पर आगे जाके ना फिर थोड़ा सा पेन आ जाता है, तो दूसरी दिन से मैं न्यूट्रल में नहीं जा रहा हूँ भाई। तो भाई जो मेरी टाइमिंग है वहाँ पहुँचने की वो है 12 बजे के बीच, और उसके बाद मुझे जाना है नानी के घर, तो मैं उनको भी सरप्राइज करने वाला हूँ, किसी को भी पता नहीं है कि मैं घर भी जा रहा हूँ, तो मैं नानी के घर जाऊँगा आज जैसे हमारा काम ख़त्म होता है, और कल हम वापस आने वाले हैं। स्कूटी वाले भैया आगे जा रहे, ना ये जा रहे ना मैं जा रहा हूँ, आखिर चल क्या रहा है। अब ना थोड़ी ठंड मुझे कम लगने लगी है, और गाइस ये व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, अब मुझे कोई आगे नहीं जाने दे रहा, अरे जाने दो ना मुझे आगे यार। गाइस जो व्यू आप चेक कर सकते हो, अब मैं पहुंच चुका हूँ बिल्कुल और ही लगा चलता हूँ वाला। ये देखो राज्य 17 किलोमीटर है भाई, अभी 17 किलोमीटर गाइस, बनते रहिए व्लॉग के साथ, हमारी जर्नी के साथ बनते रहिए, और फिर मिलते हैं आपको कुछ कुछ ब्रेक के बाद। फाइनली गाइस एक घंटे के सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राजगढ़ सीमा के अंदर। अब यहाँ से ना मैक्सिमम फैसल को जहाँ तक लग रहा है ना, यहाँ से है 4 किलोमीटर है राजगढ़। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं राजगढ़, और फिर चाहे शायद से यहाँ पर उसके बाद चलते हैं। भाई हाथ बहुत थक गया यार, पीठी बहुत थक गई, चलो जरा चाय पीते यार। फाइनली चाय चुप पी ली है और क्या लगी है, बाकी ये अभी मैं हूँ राजगढ़ में। चलो गाइस अभी निकल रहे हैं राजगढ़ से,
चाय चुन पी के थोड़ी धूप सी के मजे से खड़ा रहा एक जगह। ये किसका वेट कर रहा है, किसका मर्जी कर रहा हो अपने को क्या चलवाए। फाइनली गाइस अभी हमने जिद क्रॉस कर दिया है और अभी हम पहुंचने वाले हैं नौराधार पिछले में, और यहाँ से शायद रहा होगा तो 2-3 किलोमीटर। क्या ही टाइम से बोला, मैं सोच रहा हूँ तेल डला दूँ यार। सामने से बस आ रही है यार, निकल जाऊंगा शायद जहाँ तक। इसके ना टायर्स की टूटते हैं, तो इसका डर रहता है। मुझे बाइक का नाम समझ नहीं आ रहा है, क्या रखूँ यार, क्या रखूँ। वी आर अप्रोचिंग द डेस्टिनेशन गाइस, पहुंच चुके हैं नौराधार, बस यहाँ से 500 मीटर दूर है। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा क्योंकि बाइक चला के ना हाथ थक गया यार। और ये मामू से गए, अरे मामू गए। अपने मामू गए यार, आगे मेरे को मामू दिख रही जाते हो जा रहे। गाइस व्यू देख रहे हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिमला। वो थोड़ी देर के लिए मैं यहीं रुक जाता हूँ क्योंकि यार मेरे ना हाथ में भी दर्द हो गया। तो भैया अभी मुझे ना अपने मामू मिले थे, अभी शायद मेरे पीछे आने वाले, क्योंकि मैं उनसे थोड़ी देर मिला और भाई भाई पीठ में दर्द आ गई खतरनाक वाली। ये देखो गाइस नीचे का व्यू, भाई ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ना पूरा सिरमौर है, और नीचे जाके शायद आपको एक गांव दिख रहा होगा, वो देखो वहाँ बोलते हैं चोकर, ठीक है। ये जो रोड जा रहा है ना यहाँ से होते हुए, और जो नीचे दिख रहा है ना आपको वो चोकर ही जा रहा है, और ये रोड यहाँ जाके यहाँ एंड होता है शायद नीचे, मेरे को जहाँ तक की पता है। भाई मैं भी ना इतना चलने के बाद ना माँ कसम थक गया था, और पीछे से मेरे मामू भी आ गए, मेरे को मामू दिख के, तो भी मामू से भी मिल लेता हूँ। बाकी बाइक आप देख ही सकते हो भाई। चलो अभी मामू आ रहे पार से, तो उनसे मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस वो जा रहे मामू, अभी मैं इनसे भी मिला थोड़ी देर के लिए। बोल रहे थे कि नीचे आ जाना यार, तो यार जाना ही पड़ेगा नीचे, कंफर्म है। जब मामू ने बुला लेना एक बार, अब तो जाना ही पड़ेगा। भाई पीठ में ऐसी दर्द आई ना माँ कसम से, हाथ मामू बोल रहे तेरी आँखें लाल क्यों हुई यार। सोलन से लेकर भाई 3 घंटे का सफ़र यार, आँखें तो लाल होगी यार। ये देखो भाई अभी भी शायद मेरे को लग रहा है लाल हुई। हाँ चलो कोई ना, बाकी मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए गाइस थोड़ी रील्स रूल्स वगैरह शूट कर लेता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी टाइम से मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स डाली। पिछले व्लॉग में मैंने यही बोला था, पर यार मेरे को ना इतना टाइम नहीं लगता है कि मैं शूटिंग के लिए जाऊँ। तो गाइस अभी मेरे को लग रहा है शायद कि मेरे फ़ोन की जो चार्जिंग है वो ख़त्म होने वाली है, तो शायद मैं वहाँ पे पहुँच कर शूट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। कोशिश करूँगा कि अपना फ़ोन कहीं चार्ज लगाऊँ, मैं चार्जर साथ में लाया हूँ। गाइस मैं अभी चल ही रहा था कि मेरे को क्या रास्ते में मेरे दोस्त मिल गए यार, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिल गए, तभी दिखाता हूँ उनको। ये देखो छोटे वाला कैसे लेटा हुआ नीचे।
रहने दे यार इसको। ओए 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 भाई, बीच सड़क में सोया होता यार। तो गाइस अभी मैं अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाला था कि आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी मुझे यहाँ से होते हुए, ये जो नीचे सड़क दिख रही है ना, यहाँ से होते हुए मुझे पहले वहाँ जाना है, फिर उसके बाद होते हुए भाई जो आपको वहाँ पे जो टावर दिख रहे हैं ना, ये मुझे वहाँ जाना है। अभी आपको टावर दिख रहे होंगे, अभी मुझे वहाँ जाना है इतने दूर भाई। और अभी कहाँ हूँ मैं, अभी आप देख सकते हो भाई, भाई गंदे वाला सीन हुआ मेरे साथ। तो चलो यार चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है सीन्स, क्योंकि यार अभी बहुत दूर है। मेरे को लगता है वहाँ तक ना 1 घंटा लग जाएगा पार पहुँचने के लिए ना। चलो भाई चलते हैं। एक तो यार माउंट भी ढीला हो गया यार, माउंट छूट गया गाइस हमारा, शायद अब सेट हो गया। हाँ हो गया सेट, 10:04, मतलब 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ तक। बाकी आप वो टावर देख ही सकते हो भाई, बहुत दूर है। चलो भाई चलते हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ मैं, क्योंकि इससे आगे मेरा फ़ोन चल नहीं पाएगा, शायद इसमें 20% बैटरी बची है। और बाकी गाइस अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करना अगर जो चैनल बनी हुआ है, क्योंकि आपका 1 सब्सक्राइबर मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। बाकी गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।